नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने अपने ग्रुप स्टेज के सभी चार मुकाबले खेल लिए हैं। इन दौरान टीम इंडिया को एक भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। रोहित शर्मा के लीडरशिप में भारतीय टीम ने पहले तीन मैच जीतकर हैट्रिक लगाई और कनाडा के खिलाफ आखिरी मुकाबला रद्द हो गया। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। ग्रुप ए में मौजूद भारतीय टीम 7 अंकों के साथ टॉप पर रही। लगातार 3 जीत के साथ ही मैनन ब्लू सुपर 8 में पहुंच गई थी। ऐसे में अब टूर्नामेंट के अगले दौरान में रोहित शर्मा की सेना का सामना किन टीमों से होगा, आइए आपको बताते हैं। सुपर 8 में 3 टीमों से टक्कर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया था। सभी ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाएगी। इन 8 टीमों को भी 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। सभी टीमें अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से मुकाबला करेगी। ऐसे में भारतीय टीम भी सुपर 8 में अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से टकराएगी। ये टीमें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हैं। साथ ही साथ एक टीम का निर्णय अभी नहीं हुआ है। ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम सुपर 8 में भारत से भिड़ेगी। ग्रुप डी से बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहने वाली है। 20 जून को अफगानिस्तान से टक्कर। सुपर 8 में भारतीय टीम 20 जून को अफगानिस्तान से टकराएगी। यह मैच बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में खेला जाएगा। अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड से होगा। यह मैच 22 जून को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में टीम इंडिया की टक्कर पुराने दुश्मन यानी कि ऑस्ट्रेलिया से होगी। यह मैच सेंट लूसिया के ड्रेंसेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 24 जून को खेला जाएगा। तो सुपर 8 में भारतीय टीम का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि वो 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा, ये मुकाबला बारबाडोस में खेला जाएगा। उसके बाद 22 जून को बांग्लादेश या फिर नीदरलैंड के खिलाफ एंटीगुआ में मुकाबला होगा और उसके बाद फिर 24 जून को जो कि बहुत बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, ये मुकाबला सेंट लूसिया में खेला जाएगा। तो दोस्तों, सुपर 8 में क्वालिफाई करने के बाद भारतीय टीम 2 मुकाबले जीत कर सुपर 4 में क्वालिफाई करेगी और वहां से फिर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम ऑन द पेपर और ऑन द फील्ड दोनों में ही बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और जीत के हकदार भी माने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।